हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं जाला योगेश, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं अपने क्वालिफिकेशन के बारे में बताऊं तो मैंने बीए सिविल किया हुआ है और मास्टर इन स्ट्रक्चर किया हुआ है। इसके अलावा मेरा 2 इयर्स का फील्ड एक्सपीरियंस है और 4 इयर्स का टेक्निकल एजुकेशन सर्विसेज का एक्सपीरियंस है। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि आफ्टर सिविल इंजीनियरिंग आप कौन कौन से फील्ड में जा सकते हो। दोस्तों, आफ्टर सिविल इंजीनियरिंग आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन, आप जॉब कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन, आप अपना खुद का बिजनेस कर सकते हो। अगर आप जॉब करना चाहते हो तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप फील्ड वर्क में जॉब कर सकते हो या तो आप ऑफिस वर्क में जॉब कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन, अगर आप खुद का बिजनेस डेवलप करना चाहते हो या जॉब करना चाहते हो तो आपके पास कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए। कॉमन ऑप्शन, आफ्टर कंप्लीटिंग डिप्लोमा एंड बीई सिविल। इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है हायर स्टडी। अगर आप हायर स्टडी के लिए जाना चाहते हो तो मिनिमम आप 2 to 3 years काउंट कर सकते हो इसमें। सेकंड ऑप्शन है प्रिपरेशन ऑफ गवर्नमेंट जॉब। तो आप गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इसमें भी आपको मिनिमम 5 to 6 years स्पेंड करने होंगे। यहाँ पर मैं थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है उस पर ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि इस ऑप्शन में ज़्यादातर चैलेंजेस फेस ऑफ करने पड़ सकते हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट यही फील्ड चूज करते हैं। हमारा थर्ड ऑप्शन है प्राइवेट जॉब एंड फोर्थ ऑप्शन है एंटरप्रेन्योरशिप और फ्रीलांसिंग वर्क। इसमें आपको ज़्यादातर चैलेंजेस फेस ऑफ करने पड़ सकते हैं लैक ऑफ स्किल एंड फ्रेशर टैग की वजह से। प्राइवेट जॉब, एंटरप्रेन्योरशिप एंड फ्रीलांसिंग के लिए मैं कैरियर अपॉर्चुनिटी की बात करूं, तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहला ऑप्शन है BIM। जिस स्टूडेंट का इंटरेस्ट ड्राफ्टिंग में ज़्यादा है, 2D प्लानिंग में ज़्यादा है, एलिवेशन सेक्शन एंड और सभी तरह की जो डिटेल्स ड्राइंग्स है उसमें ज़्यादा है, इसके अलावा 3D मॉडलिंग में, इंटीरियर डिज़ाइन, एक्सटीरियर डिज़ाइन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जिनका इंटरेस्ट है वो बीम को चूज़ कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है स्ट्रक्चर इंजीनियर। अगर आप स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ज़्यादा रखते हैं तो वो स्ट्रक्चर फील्ड में भी जा सकता है। थर्ड ऑप्शन है हाईवे डिज़ाइन एंड ब्रिज डिज़ाइन। तो हाईवे डिज़ाइन एंड ब्रिज डिज़ाइन ऐसे फील्ड है जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी कम मिलेगी लेकिन सैलरी स्केल ज़्यादा मिल सकता है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी है कि अगर आप जॉब करते हो तो वहाँ पे लोकेशन चेंज होने के चांसेस भी मैक्सिमम है। और बिल्डिंग डिज़ाइन के फील्ड में आप नज़दीकी लोकेशन में भी जॉब कर सकते हो। तो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑप्शन BIM के बारे में बात करेंगे। हम BIM के बारे में बात करें इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आफ्टर सिविल इंजीनियरिंग आपको कौन कौन से चैलेंजेस फेस ऑफ करने पड़ सकते हैं। इसमें हम बात करते हैं फर्स्ट चैलेंजेस के। हमारा फर्स्ट चैलेंजेस है क्वालिटी मैनेजमेंट। ऑन फील्ड क्वालिटी कैसे मैनेज करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। सेकंड चैलेंजेस है प्रॉपर लिंक बिटवीन ऑनर, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर इंजीनियर, साइट इंजीनियर, MEP इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर एंड सेल्स टीम। आपको इस सभी फील्ड के पीपल्स की रिक्वायरमेंट होती है तो आपकी एक लिंक भी होनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन है प्रॉपर डिटेल डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके पास ऑन फील्ड डिटेल डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं है तो ऑन फील्ड प्रॉपर वर्क नहीं करा सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन है जो हमारे 60% प्रोजेक्ट है वो हमारे शेड्यूल टारगेट की वजह से ही फेल होते हैं। फॉर एग्जांपल दो, अगर आपको कोई क्लाइंट से प्रोजेक्ट मिलता है तो अगर आप उसका टारगेट ही गलत दोगे तो वो प्रोजेक्ट डेफिनेटली आपका फेल ही हो जाएगा। तो आपको एस्टिमेशन और क्वांटिटी का जो कंसेप्ट है वो आपके क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन, हमारे जो 30% प्रोजेक्ट है वो रीवर्क में चले जाते हैं और 55% जो प्रोजेक्ट है वो मेंटेनेंस में चले जाते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो विजुअलाइजेशन के प्रॉब्लम होते हैं, एनवायरमेंट इश्यू के प्रॉब्लम होते हैं, स्किल इंजीनियर्स की वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकते हैं।
तो ये सारे चैलेंजेस जो हमने डिस्कस किए हैं आफ्टर सिविल इंजीनियरिंग आपको फेस ऑफ करने पड़ेंगे। तो इस सभी चैलेंजेस का एक ही सॉल्यूशन है BIM। BIM इज अ इंटेलिजेंट 3D मॉडल बेस्ड प्रोसेस दैट इक्विप आर्किटेक्ट इंजीनियर एंड कॉन्ट्रैक्टर। ये हमें मोर एक्यूरेंसी देता है किसमें प्लानिंग डिजाइनिंग एंड मैनेज बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। देख सकते हो कि BIM का एक साइकिल होता है। BIM को हम न्यू प्रोजेक्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं और कोई रिनोवेशन प्रोजेक्ट से उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो BIM का साइकिल ऐसे चलता है कि पहले उसका क्या होता है, 2D ड्राफ्टिंग होता है, उसके बाद उसका एक 3D कॉन्सेप्चुअल मॉडल रेडी होता है, देन हम उस मॉडल का क्या करते हैं, एनालिसिस एंड डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद उसके सारे जो डॉक्यूमेंट्स है उसका आउटपुट लेके फैब्रिकेशन वर्क में जाता है, देन उसका कंस्ट्रक्शन, और इसी तरह एक हमारा फाइनल मॉडल रेडी होता है ऑन फील्ड। तो यहाँ पे BIM का इम्पोर्टेंस क्या है, चलिए देखते हैं। तो BIM हमें प्लानिंग करना, डिज़ाइन करना, बिल्ड करना और मैनेज करना सिखाता है। इट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी जो हमें AEC बेस्ड प्रोजेक्ट पे कैसे वर्क करते हैं वो सिखाता है। BIM की हेल्प से आप ग्रेटर ROI ले सकते हो, मतलब आप अपने रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ा सकते हो। BIM के आपके करियर में क्या बेनिफिट्स हैं, तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी BIM मैंडेटरी है, इसके अलावा कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन और ऐसी बहुत सारी कंपनी हैं जो BIM बेस्ड वर्क करती है। तो इन फ्यूचर आप BIM का कंसेप्ट ले रहे हो तो इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा BIM हमें बिजनेस में हेल्प करता है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में हेल्प करता है, और कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो ऑन गोइंग प्रेशर है उसमें भी आपको BIM हेल्प करता है। टॉप बेनिफिट्स ऑफ BIM, इसमें हमारा फर्स्ट बेनिफिट है रिड्यूस डॉक्यूमेंटेशन एरर 61%। जो डॉक्यूमेंट्स की वजह से जो एरर जनरेट होती है इसे हम 61% तक रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा सेकंड जो टॉप बेनिफिट है रिड्यूस रीवर्क। तो हमने देखा था कि चैलेंजेस में हमने रीवर्क के चैलेंजेस भी फेस अप किए थे, तो जो रीवर्क का चैलेंजेस है उसे आप 36% तक रिड्यूस कर सकते हो। रिड्यूस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, डॉक्यूमेंट की एक्यूरेंसी की वजह से आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को भी रिड्यूस कर सकते हो अप टू 30%। रिड्यूस प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, अगर आपके पास प्रॉपर शेड्यूलिंग है तो आप प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को भी रिड्यूस कर सकते हो 22% तक। और लास्ट ऑप्शन है रिड्यूस अदर क्लेम्स 70%। तो BIM हमें क्या सिखाता है, BIM हमें डिज़ाइन करना, कंस्ट्रक्ट करना एंड मैनेज करना। तो यहाँ पे हमने देखा कि BIM कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, एक कंसेप्ट है जिसमें ड्राफ्टिंग, मॉडलिंग, एनालिसिस एंड मैनेजमेंट, ये सारे कंसेप्ट BIM में कवर हो जाते हैं। तो दोस्तों इसका एक ही सॉल्यूशन है, ये जो सारे कंसेप्ट है हम एक एक बार इंडिविजुअली क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट कंसेप्ट है हम ऑटोकैड के थ्रू क्लियर कर सकते हैं, जो हमारा ड्राफ्टिंग है। 3D मॉडलिंग के लिए आप रेविट आर्किटेक्चर का यूज़ कर सकते हो, इसके अलावा आप स्केचअप जैसे सॉफ्टवेयर का भी यूज़ कर सकते हो। स्ट्रक्चर के लिए भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर से, यहाँ पे आप देख सकते हो ईटेब है, स्टैड प्रो है, रोबो स्ट्रक्चर है, और फैशन के लिए आप 3ds Max जैसे सॉफ्टवेयर का भी यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों आपको यहाँ पे आई होप BIM के कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।